वाइड देखने के लिए मिलेगा, रियर टायर का साइज 90x90 दे दिया गया है। मैं अभी आप लोगों को जिस बाइक के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी आपको रोड पर देखने के लिए मिलेगी और इकोनॉमिकल भी हो जाती है, स्टाइलिश भी है और हर हिसाब से एक भरोसेमंद ये बाइक हो जाती है। इसमें एक अभी फीचर ऐड कर दिया गया है, अभी आपको मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। ये मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दे दिया गया है। तो अभी आपने अपना मोबाइल चार्ज नहीं किया है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं से भी आप चार्ज कर लीजिए, गाड़ी चलाते हुए चार्ज हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं अभी आप लोगों को मीटर कंसोल भी दिखा देता हूँ। तो मीटर कंसोल ऑन होने के बाद कुछ ऐसा आपको इसमें अपीयर होने वाला है, सेमी डिजिटल मीटर कंसोल दे दिया गया है, टाइम क्लॉक, फ्यूल गेज, ओडोमीटर और ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं डिजिटल में। यहाँ पर आपका साइड स्टैंड सेंसर न्यूट्रल में है या गियर है और लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसके मीटर कंसोल से मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ हीरो के सुपर स्प्लेंडर के बारे में, इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट लुक इसका कुछ इस तरह से दे दिया गया है, यहाँ पर आपको सेमी ट्रांसपेरेंट में विंड वाइजर है। इसका एडवांटेज ये होता है कि राइडर को मैक्सिमम कंफर्ट मिले, जो भी हवा डस्ट वगैरह रहता है यहाँ से ब्लास्ट होता रहता है, उसको ब्लास्ट करने का काम करता है, तो राइडर को एक कंफर्टेबल राइड मिलता है। और यहाँ पर टॉप पर आपको मिल जाता है हीरो की ब्रांडिंग, कुछ इस तरह से स्टील फिनिश में दिया गया है। और इसका जो हेडलैम्प है इसमें हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, मल्टी रिफ्लेक्टर का डिज़ाइन कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो टॉप है इसका हेडलैम्प एंड विंड वाइजर इसको सेपरेशन दे दिया गया है क्रोम फिनिश के साथ में। और काउल का यहाँ पर आप ग्राफिक वर्क देख लीजिए, आपको सिल्वर कलर से मिल रहा है, तो ब्लैक एंड सिल्वर कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, इसमें आपको ट्रेडिशनल स्टाइल में साइड इंडिकेटर इसका मिल जाता है। सस्पेंशन फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक दिया गया है और सस्पेंशन पर ही आपको मिल जाता है कॉर्नरिंग प्रेजेंस के लिए आपका रिफ्लेक्टर। रियर सस्पेंशन 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है। इसके सस्पेंशन की बाद हम बात करें ब्रेकिंग सिस्टम का, तो इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिल रहा है 130 के साइज़ का और आपको ऑप्शन मिल जाता है डिस्क ब्रेक का। तो इसमें आपको डिस्क और ड्रम में यदि आप जाते हैं तो डिस्क वाले का जो प्राइस है 98,000 पड़ने वाला है और ड्रम ब्रेक का जो प्राइस पड़ता है यानी इस बाइक का जो प्राइस है वो आपको पड़ने वाला है 93,800 रुपीज़। और इसका जो व्हील है आपको 5 स्पोक्स के साथ में कुछ ऐसे आपको अलॉय व्हील मिलने वाला है। और आगे और पीछे दोनों जो टायर का साइज़ है वो 18 इंच डायमीटर दिया गया है और साइज आपको मिलता है 80x100 ट्यूबलेस टायर फ्रंट में, जबकि रियर का जो टायर है वाइड देखने के लिए मिलेगा, रियर टायर का साइज 90x90 दे दिया गया है। और इसका मडगार्ड आप देखिए सिंगल कलर से आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर डुअल टोन कलर एक्सपीरियंस हो जाएगा। और फ्रंट में आपको ग्लॉसी आ रहा है, रियर में आपको मैट ब्लैक कलर आ जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका डिटेल था इसके व्हील सस्पेंशन और ब्रेक के बारे में। बात कर लेते हैं अभी हम फ्यूल टैंक का, तो फ्यूल टैंक कुछ ऐसे शेप में आपको यहाँ पर मिल रहा है, ट्रेडिशनल डिज़ाइन इसको रखा गया है, कोई इसमें बहुत स्टाइलिश या कुछ ऐसा नहीं, आपको प्लेन डिज़ाइन मिल रहा है। लेकिन इस पर आप ग्राफिक वर्क देखिए, आपको सिल्वर कलर से देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ ऐसा आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिलता है। तो इसके टॉप से शुरू होकर इसके एंड तक कुछ यहाँ आपको ऐसे ग्राफिक मिल जाता है, जो कि इसके ग्रैब रेल से मैच करा दिया गया है, तो एक खूबसूरत यहाँ पर पैटर्न मिल जाता है इसके ग्राफिक्स का। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको 12 लीटर का दे दिया गया है, फ्यूल लीड सिल्वर कलर से आता है और कुछ इस तरह से इसका सारा प्रोविजन है। कंपनी फिटेड आपको इसमें मिल जाता है लेग गार्ड, जो कि इंजन और लेग्स की सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ आपको इस एक की का स्टार्ट सिस्टम भी दे दिया गया है, ताकि जो एक सिस्टम काम नहीं किया दूसरे से आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्रेक मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेडिशनल डिज़ाइन में फुटरेस्ट मिलता है राइडर एंड टू लेनर राइडर के लिए, और कुशन के साथ में इसका जो फुटरेस्ट है वो दिया गया है, ताकि एक कंफर्टेबल राइड दोनों को मिलता रहे। लॉन्ग साइलेंसर है जिसका मफलर स्टील फिनिश के साथ में आ रहा है, तो कुछ ऐसा आपको प्रोविज़न देखने के लिए मिलेगा इसके साइलेंसर पर। बात करें हम इसके सीटिंग अरेंजमेंट का, तो ये आपको सिंगल 2 लेवल सीट है और लॉन्ग सीट रखी गई है। कम्यूटर बाइक है तो ऑब्वियसली आपका जो सीट है वो लंबा होना भी चाहिए। और इसका जो आउटर फिनिश है ये आपको डॉटेड के साथ में आ रहा है, मैक्सिमम एयर सर्कुलेशन होता रहेगा और कोई भी सामान वगैरह लेकर बैठना है तो वो भी आसान हो जाता है ट्रेवलिंग के साथ में। तो ये था सीट के बारे में। ग्रैब रेल जो है वो सिल्वर कलर के साथ दिया गया है, तो यहाँ ब्लैक एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन हो रहा है जैसा ग्राफिक्स है उससे मैच होता हुआ। और टेल लैंप आपको कन्वेंशनल डिज़ाइन में मिलता है जिसमें हैलोजन लाइट का इस्तेमाल किया गया है, तो रियर अपीयरेंस कुछ इस तरह से बनने वाला है। और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है सारी गार्ड विद सिंगल फुटरेस्ट, ये अटैच्ड है, यदि लेडीज़ गर्ल्स हैं उनको एक साइड में पैर रखकर बैठना है तो ये फुटरेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ व्हील में उनका सारी दुपट्टा दोनों को जाने से बचाने के लिए ये भी आपको प्रोटेक्शन मिल जा रहा है। और यहाँ पर अभी आपको एडिशनल फीचर ये मिल जाता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फीचर काफ़ी अच्छा होता है यदि आपने सिंगल स्टैंड पर खड़ा किया है, जल्दबाजी में लेकर निकलते हैं
तो आपकी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ने वाली नहीं है, तो इसको बाय डिफॉल्ट ऊपर करना होगा। तो यानी किसी भी मिसहैपनिंग से इसका साइड स्टैंड जो है वो आपको बचाता है। तो इस ये था सारा डिटेल इसके सेफ्टी एंड कंफर्ट के फीचर के बारे में। अभी मैं आप लोगों को इसका इंजन डिटेल बता देता हूँ। इसमें इंजन मिलता है आपको 124.7 सीसी का, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड ओएससी इंजन, जो मैक्सिमम पावर देता है 10.8 पीएस का 7500 आरपीएम पर, और पीक टॉर्क मिलता है 10.6 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। और इसके बाद अभी डायमेंशन इसका देख लेते हैं। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको मिलता है 180 mm का, और सीट हाइट 799 mm दी गई है, और इसका जो व्हील बेस है ये है 1273 mm, और कर्व वेट इसका आपको मिलता है 123 kg का। तो 123 kg के वेट के साथ में ये बाइक अवेलेबल होती है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैंने पहले ही बताया था। इसका जो माइलेज है वो आपको मिलने वाला है 55 प्लस का, और इसमें 5 कलर ऑप्शन हो जाते हैं, तो अपने चॉइस के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं इसका 360 डिग्री वॉक अराउंड,